तुम्हारा पार्सल आया है। अच्छा खोल के देखना क्या है। अरे वाह आज तो सरप्राइज। सरप्राइज? अरे आया क्या है ये बताओ। अच्छा तुम आओ मैं पहन कर दिखाती हूँ। किसके लिए मंगवाई है तुमने? ये मेरे साइज की तो है नहीं। अरे मुझे क्या पता यार, तो गलती से दे गया होगा यहाँ पे। हाँ गलती से तुम्हारा नाम लिख करके दे गया है ना। यार देखो सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, अपने जाके काम करो और लड़ाई के बहाने मत। हाँ जी भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा सुनो वो तुम्हारे ऑफिस में एक सुंदर सी हेल्दी सी लड़की है ना। पर भाभी जी आप क्यों पूछ रहे हो? अरे वो मैंने एक ड्रेस मंगवाई थी वो ओवर साइज आ गई है, तो मैं सोच रही थी किसको दूं। तो तुम्हें गिफ्ट कर दो ना, कहो तो मैं इनके हाथ भिजवा देती हूँ। हाँ हाँ भाभी जी है तो। अच्छा उसका नाम क्या है? सायशा। सायशा। हेलो। अरे भाभी जी पर सुनो मुझे ना लड़ाई का बहाना मिल गया है। क्या हो गया? ये ड्रेस तुमने सायशा के लिए मंगवाई है ना। तुम्हें सायशा के बारे में कैसे पता चला? तुम्हारा सायशा से चक्कर चले और मुझे पता नहीं चलेगा है ना। अरे मेरी माँ मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि तुम्हें सायशा का नाम कैसे पता चला। नाम कैसे पता चला वो तो ऑफिस चल के मैं बताऊंगी। ऑफिस चलो तुम्हारा उसका ना जुलूस निकलवाऊंगी आज मैं। यार तुम्हारी ना इसी चू चप्पल की वजह से ना मैं डेली ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ। अरे तुम क्या चाहती हो, क्या सोचती हो, क्या चाहती हो बताओ ना। एक बात ध्यान में रखियो, अगर ऑफिस जाके ये बात साबित हो गई ना कि मेरा और सायशा का कोई चक्कर नहीं है तो तू मेरा जुलूस नहीं निकालेगी, मैं तेरा जुलूस निकालूंगा तेरे खानदान के सामने। उठा ले इस नाइटी को। वो मैम मैं थोड़ी देर पहले एक पार्सल देके गया था ना, वो एक्चुअली मैं गलती से किसी और का पार्सल दे गया, नेम सेम थे ना तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। हाँ ये ना आपका पार्सल। सॉरी। अब इसमें क्या है? अपने आप खोल के देख ले। सॉरी दीदी ये मेरा पार्सल है, वो मैंने सेकंड फ्लोर की जगह गलती से थर्ड फ्लोर डाल दिया था। गलती? तेरी ये गलती ना आज मरवा देती उन्हें, और मेरी ये शक की आदत आज मुझे मरवा देती। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम किसी पे शक कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा यही लगता है कि गलती उसी की है, पर ऐसा नहीं होता, वो सही भी हो सकता है। इसलिए अपने दिमाग से ये शक की बीमारी को दूर करो। बिना रीजन बिना किसी प्रूफ के प्लीज शक करना बंद करें।